जितना लोग हमरा देखे जाती है मगधी क्षेत्र से, मगधी परिवार से, बिहार से, वो सबको ये बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम बनावे जाए थी बिरंज की रेसिपी। बिरंज जैसे तो शादी ब्याह में बना है, लेकिन अगर घर में खाए के मन करी थे बिरंज तो कैसे बनावल जाओ, तो वो आज हम बनावे जाए थी। तो चलो देखल जाओ आगे। तो बिरंज बनावे के बहुत कुछ मसाला हमारे यहाँ ना मिल रही है, हम बाहर में रह ही बिहार से, तो जे कुछ भी मसाला मिल रही है ओकरा साथ हम बिरंज बनावे थी। तो बिरंज बनावे में जे आधा मसाला हुआ है, जैसे ये सब अगर मोथा, गुलाब फूल, चंदन धूरा, सुगंध कोकिला, ये सब मसाला के फुला लेवल जाए पानी में, और पनिया में रात भर फुला के छोड़ देवल जाए, और ओकरा सुबह में गैस पर उबाल करके और फिर ओकर अर्घ तैयार करके वही में चावल पकावल जा है, सिझावल जा है चावलवा के। आ आधा से गरम मसालवा है, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी, सजीरा, जीरा, काली मिर्च, अदरक, वो सब पीस के डालल जा है चावलवा पकावित खनी। तो चलो बनावल जाओ आगे। तो यहाँ पे सब मसालवा के हम फूले ला डाल दिली के, और एक हम 4-5 घंटा भी अभी फूले ला डाल देवे, क्या है कि हम सुबह में डाले थी, शाम में बनावे लाई हमारा बिरंज। अभी मसाला फूल के तैयार हो गई है, तो एक गैस पर बॉयल करी थी, गैस पर उबाल लेबे, अच्छे से खोला लेबे, और उसके बाद एक अच्छा से छान लेवल देते छन्नी से। यही वाला पनिया में गरम मसाला के जर तैयार हो गई, यही पानी में चावल सिझा लेवल देते बिरंज बनावे ला। ये हम बासमती चावल के 1/2 किलो बासमती चावल ले लिखे, एक धो के छान ले लिखे। अब एक हम 2 घंटा ऐसे छोड़ देवे, एक में हल्दी लगा देवे। यहाँ पे हम गरम मसाला इतना देखा देखा पीसी थी, ये सब गरम मसाला, जायफल, जीरा, काली मिर्च, जीरा, ये सब कुछ पीस लेवे चावलवा में डाले ला। तो चावलवा में हल्दी मिला के इस तरह से रख दे लिखे। अब यहाँ पर अर्क और चावल दोनों तैयार है, तो अब चला हम शुरुआत करें बिरंज बनावे के। तब सबसे पहले कढ़ाई गरम हो गई है, तो एक में घी डाल भाई, घी एकदम शुद्ध होवे के चाहे। तो घी में अब चावल को एकदम अच्छे से चावल के भून लेवेला है। तो चावल तब तक भूने ला है जब तक कि कुरकुरा ना हो जाए। तो चावलवा जब जा जाते तो ओकरा हाथ से छू के देखल जाते कि कुरकुरा हो कि ना, तब चलो देख लेवल जाओ चावल, देखो कितना अच्छा से घी है कढ़ाइया में, ऐसा बात ना है कि थोड़ा सा घी में। तो यहाँ पे चावलवा के हम चेक कर लेवे थे, और इस तरह से चावलवा सब छान के रख लेवे। तो चावलवा एकदम कुरकुरा हो गई है, तो अब एक हम निकाल लेवे थे एक थाली में, और ऐसे ही हम पूरा चावलवा के तल के रख लेवे, और बाद चला बिरंज बनावल जाओ। तो देख लो सबको, यहाँ पे सारा चावल हम फ्राई करके रख ले लिखे अच्छा से कुरकुरा। अब कुकर लेवे या कुकरवा में ही सब चावलवा के हम डाल देवे, और बाद जो हम गरम मसाला से अर्क तैयार कर लिखे वो मसालों हम डाल देवे में। और मसालवा डालला के बाद जो हम पीस के मसालवा रख ले ली मिक्सी जार में वो भी डाल देवे ला है यही में। छुहेड़ा अगर पहले से फुला के अगर रखबहूँ तो ठीक है, आना तो अगर छुहेड़ा फूलल ना हो अर्जेंट में बनावे ला हो तो छुहेड़वा यही समय इसी में डाल देवे चावलवा में, तो छुहेड़वा पक जाते सीझ जाते तो फूल जाते एकदम बढ़िया से। तब यहाँ पे हम गरम मसाला के पानी डाल दिली के, अब डाल देवे गरम मसाला पिसल का। एकर बाद एक में 1 गिलास तक पानी और डालबे, टोटल पानी 3 गिलास डालबे ऐसे तो, लेकिन अगर पानी के परफेक्ट माप चाहिए थोड़ा लोग के कि कैसे मतलब गीला ना हो जाए या कच्चा ना रह जाए, तो अंगुली अपना डाल के अंगुलिया के जो फर्स्ट गिरावा हुआ है ना वही फर्स्ट गिरावा तक पानी चावलवा से ऊपर रह के चाहे, वो हम चेक करके बता दे रही थी अभी। ओकर बाद फिर हम ढक्कन बंद करके गैस पर 1 सीटी लगा देवे मीडियम आँच पर, तो देखो 1 इंच तक पानी डाल ली थी हम इमें। अब चलो गैस के जला लेवल जाओ। यहाँ पे हम गैस के जला ले ली है और मीडियम आँच पे, मतलब गैस ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी, उस पर हम 1 सीटी लगवा ले ली है चावलवा के। अब चलो खोल के दिखा देवी थी वह। तो
तो देखो कितना अच्छा बिरंज के चावल बन के तैयार हो गई है, ना गीला है ना कच्चा है। तब एक हम पलट लेब एगो बर्तन में ठंडा हो देवे, आ फिर इधर हम गैस जला लेब या गैस पर कड़ाही रख के घी डालब, आ जितना काजू किशमिश बादाम सब डाले लाही ना सबके घी में भूंज लेवल जते, ओकर बाद फिर डालल जते। तो वैसे तो नारियल लोग ना डाला हथी, नारियल के बुरादा डाला हथी बिहार में जो बिरंज बना है शादी ब्याह में, लेकिन ये नारियलवा खाए में बड़ा अच्छा लगा है तो इस चलते हम डाल दे रही थी। और यहाँ पे सब ऐसे ही काजू किशमिश जितना ही सबके फ्राई करके, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दे लिखे क्या कि बड़ी बड़ा वीडियो हो जाई थी। तो इस तरह से सब जितना भी काजू किशमिश बादाम सब हम भूंज के रख ले लिखे। अब यही वाला घी वा बचल का में हम डाल देवे चावलवा, आ चावलवा डाल के सब काजू किशमिश जितना ले सब डाल के चीनी डाल देवल जते। अच्छा एक बात और बतावे थी अपने सबके कि जो चावलवा ये है हम साथ ही चीनी डाल देवी थी। अब जो शादी ब्याह में बना है ना हमने ही, तो वो में अलग से सीरा करके डालल जाए बिरंजवा में, तो वो काहेला डालल जाए सीरा करके कि उस सिरवा वाला जो बिरंजवा बना है वो 15 दिन तक भी लोग खा सके है, ख़राब ना हो। आई जो चीनी साथे डाल के बनाई थी ये 2-3 दिन से ज़्यादा ना टिकते। तो अब सब काजू या किशमिश में डाल दे लिखे, थोड़ा सा रख ले लिखे अंतिम में सजावट ला। अब एक ढक देवल देते एकदम स्लो आँच पे पकल देवल देते 2 से 3 मिनट। और अभी लगे थे कि भरल भरल कढ़ाई है, पर जैसे ही चीनिया बैठ जते ना तब एकदम परफेक्ट हो जते, कम हो जते। थोड़ा सा खसखस डाल लिखे, खसखस जैसे पोस्तदाना कहल जाए हमने बिहार में। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर खाए वाला डाल ले लिखे, फूड कलर, तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अगर कलर ना हो तो नहीं भी तो केसर भी डाल सकता हूँ, और कलर ही खाए वाला है, नुकसान न कर है हेल्थ के। तो अब एक बिना ढक्कन के ऐसे ही एक 5-7 मिनट पका ले वाला है। और जब एकदम मतलब चीनी लगते कि अब हाँ चटचट हो गए तब गैस के बंद कर लेवल जते। 5-7 मिनट हो गई है और यहाँ पे बिरयान तैयार हो गई है, तो अब हम गैस के बंद कर लेब। थोड़ा सा हमने के किचन में लेडीज लोग के ना औरत लोग के कंजूसी करे के आदत हुआ है, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो है काजू किशमिश कम कर दे लिखे हम, तनिया डाले के काम हल। बिहार में तो जो हमने काजू किशमिश डला है बराबर मात्रा में डला है, गाँव में जैसे जितना चावल उतने काजू किशमिश उतने घी उतने चीनी सब बराबर मात्रा में, तो लेकिन ये हम थोड़ा सा अपन हिसाब से बना दे लिखे। तैयो बहुत अच्छा बन रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हल। तो तोहनी सबके कैसन लगल वो जरूर बताई हूँ कमेंट करके। और थोड़ा सा यहाँ पे हम हाथ से दिखा दे रही थी, देखा कितना अच्छा बन रही है, एकदम परफेक्ट गीला बिल्कुल भी ना हो रही है। तो चलो मिलवाई हम अगला वीडियो के साथ, मगही वीडियो आवित रहते ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर ली हूँ।